न्यूज टुडे नेटवर्क उत्तराखंड का भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं अनिल उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे नेटवर्क का उत्तराखंड बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। ईद की छुट्टी के सरकारी आदेश हुए जारी और 14 को नहीं 15 नवंबर को होगी छुट्टी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते रोज 14 नवंबर को ईद लोक पर्व की छुट्टी की घोषणा की थी, लेकिन अब सरकार ने उसके एक दिन बाद यानी 15 नवंबर को इसको लेकर छुट्टी घोषित कर दी है। ईगास की छुट्टी को लेकर सरकारी आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि ईगास लोक पर्व 14 नवंबर यानी रविवार को पड़ रहा है। वहीं नए आदेश के बाद अब ईगास की छुट्टी 14 नवंबर की जगह 15 नवंबर को होगी। आदेश के मुताबिक इस दिन प्रदेश के सभी शासकीय अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, विद्यालयों में अवकाश रहेगा, जबकि बैंक, कोषागार खुले रहेंगे। स्क्रैप नीति के बाद अब स्टोन क्रशर लगाने के नियमों में शासन ने किया बदलाव। शासन ने भंडारण और स्क्रैप नीति के बाद अब स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट और हॉट मिक्स प्लांट को अनुमति देने के लिए नई नीति जारी कर दी है। पहले से चले आ रहे नियमों में इस वर्ष कुछ बदलाव भी सरकार द्वारा किए गए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि हरिद्वार में स्टोन क्रशर गंगा नदी से 1 किलोमीटर की दूरी और अन्य मैदानी जिलों में नदियों से 500 मीटर की दूरी पर खोले जा सकेंगे। पहले इन्हें हरिद्वार में गंगा नदी से 1.5 किलोमीटर और अन्य मैदानी जिलों में नदियों से 1 किलोमीटर दूर खोलने की अनुमति थी। इसमें यह भी कहा गया है कि आबादी से 300 मीटर की दूरी पर स्टोन क्रशर व स्क्रीनिंग प्लांट खोलने की स्थिति में या स्थित परिवार अथवा भूस्वामियों की अनापत्ति जरूरी है। हल्द्वानी पहुंची भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने भरे मन से किया हरदा परवाह। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीते रोज भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व उत्तराखंड प्रदेश की सह प्रभारी रेखा वर्मा तथा भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए सभी महिला कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का घरसियारी कल्याण योजना पर दिए उनके बयान को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि जिस योजना का शुभारंभ करने गृह मंत्री अमित शाह खुद देवभूमि आए, उसका मजाक उड़ाना गलत था। नेहा ने कहा कि देवभूमि की महिलाओं की चिंता हरीश रावत ना करें, यहाँ की महिलाएं घरसियारी भी हैं और चिंगारी भी। देखिए, तेल के दाम के लिए आप सुन रहे थे कि बहुत हल्ला हो रहा था और वास्तविक तौर पे एक आम आदमी के लिए तेल के दाम बढ़े भी थे। तो आपने देखा कि मोदी जी ने केंद्र से राहत दी और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने यहाँ पर राहत दी, तो निश्चित ही इस कदम का भी हमारी महिलाओं ने उसको सराहा है। और आज जो यहाँ पर मातृशक्ति थी, ये आपको बता रही है कि प्रदेश के विकास के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का समर्पण है, हमारी सरकार का समर्थन है, खासकर महिलाओं के प्रति, उसका रिजल्ट आप आने वाले चुनाव में जरूर देखेंगे। हल्द्वानी एमबीपीजी में गरमाया एडमिशन का मामला, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में एडमिशन को लेकर चल रहे विरोध ने शुक्रवार को विकराल रूप ले लिया। इस बीच कॉलेज परिसर में छात्र नेताओं और पुलिस की तीखी झड़प हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पूरी घटना में एक छात्र के सर पर चोट भी आई। बता दें, एमबीपीजी में एडमिशन को लेकर कई छात्र पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बहुत से छात्र अभी भी एडमिशन से वंचित है। इसको लेकर एमबीपीजी के छात्र नेताओं ने कॉलेज में जमकर बवाल किया। इस दौरान एक छात्र बोतल में डीजल लेकर छत पर चढ़ गया और आत्मदाह की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए डीजल की बोतल छीन ली और छात्र को नीचे उतारा। इस दौरान काफी देर तक कॉलेज में हंगामा चलता रहा। नैनीताल में शुरू होगी बॉलीवुड फिल्म द लेडी किलर की शूटिंग। सरोवर नगरी में एक बार फिर बॉलीवुड की फिल्म की शूटिंग होने जा रही है। इस फिल्म में लीड रोल में अर्जुन कपूर और अभिनेत्री भूमि पेडनेकर नजर आएंगे। अजय बहल के निर्देशक एवं भूषण कुमार और शैलेश आज सिंह के प्रोडक्शन में द लेडी किलर नाम की इस फिल्म की शूटिंग मार्च से शुरू होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फिल्म की रूपरेखा पर तेजी से काम किया जा रहा है। शूटिंग स्थल और समय को अंतिम रूप दे दिया गया है। बता दें कि ये तीसरी बार है जब अर्जुन बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के लिए नैनीताल की वादियों के बीच आ रहे हैं। इससे पहले वह औरंगजेब, संदीप और पिंकी फरार फिल्म की शूटिंग के लिए नैनीताल जनपद आ चुके हैं। भारत कुकिंग कोल लिमिटेड ने विभिन्न पदों पर निकाली भर्ती। भारत कुकिंग कोल लिमिटेड ने 94 चालक पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर रखी गई है। इस भर्ती में 8वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए
ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता रखी गई है। इस सरकारी नौकरी में एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एवं ड्राइविंग स्किल में प्रदर्शन के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। वेतन मान नियम अनुसार रहेगा। आवेदन के लिए आवेदक को कोई आवेदन शुल्क नहीं चुकाना होगा। अभी आवेदन के लिए आप स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।